वो यहाँ मंच पे आए, अध्यक्ष चौकला अध्यक्ष जो भी है यहाँ एक बार चारों जिलों के जो भी आए हैं यहाँ सब बैठ के बात करेंगे। सबके हित की बात है, सबको दिल को ठेस पहुंची है और सबकी इज्जत खराब हो रही है। अपन झगड़ रहे मेरे बोलने की वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं बस मेरे शब्द में लेता हूं और मैं समझ जाता हूं और इस आजम से अभी मैं रवाना होता हूं। सुनना, ये हमने कहा यहाँ कुछ एक गलत बात तो आई उठी तो उस पे कहा भाई आप आकर के बता रहे हो मेवाड़ में आपका स्वागत है, कोई गलत कह दिया क्या? हमने मान सम्मान किया, आप मेवाड़ में बता रहे हो तो आपका स्वागत है, मेवाड़ के भील आपके स्वागत में तैयार है और मेवाड़ के भील हम आपस में कोई भी बात करें और रही चुनाव, लेकिन एक बात छोटी सी जरूर, जो है चाहे वागड़ से आया और चाहे महापाड़ से आया, और ऐसा नहीं केवल भील समाज आया, पूरा SC ST सब समाज बैठे हुए हैं, सबके दिल में ठेस पहुंची है, और सब समाज सपोर्ट कर रहा है, इसमें दिक्कत कहां है? कोई संगठन विशेष, कोई समिति ने या कोई समिति ने कोई बैनर ने तो किसी ने बुलाया नहीं, सब समाज का है, ना आदिवासी विकास सेवा समिति, ना मेरा SSYU और ना कोई भील समाज विकास समिति, भाई किसी समिति ने तो आयोजन किया नहीं, सब आए समाज के दर्द से आए, अपना दर्द मान के आए, चाहे जहाँ से भी आए, आज अगर हमारे भाई वहाँ से आए हैं तो हमको अपना मान के आए, और आज हम कहते नहीं भाई तुम बाहर के हो, हम यहाँ के बात हम करेंगे, जो सब समाज के लोग यहाँ हैं, चाहे वो मारवाड़ का है, चाहे वागड़ का है और चाहे वो चित्तौड़ से आए, सारे भाई आए, सब बीच में बैठ के सामूहिक निर्णय करें, कोई एक व्यक्ति नहीं करे, सामूहिक निर्णय समाज जल्दी कर देंगे जो है समाज के सभी बड़े बुजुर्ग भी है, युवा भी है, सब सामूहिक बैठे हैं, सरपंच साहब है, तो समाज जब होता है समाज से बड़ा कोई पद नहीं होता, समाज से बड़ा कोई पद नहीं होता, और जब समाज के पांच लोग बैठते ना समाज की जाजम से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो जो निर्णय हो सबकी सहमति से हो, आधे लोग अगर निराश है तो भाई बात करके ही तो सहमति निकलेगी, समाज को जोड़ना है तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं बस, हम इनको चौखलों में और मेव तोड़ते तो बहुत आए ये लोग, तभी तो आज हमारे समाज की हालत है, तभी चौखले में तोड़ा, कभी चौखले में तोड़ा, कभी एरिया में तोड़ा, कभी गोतों के नाम पे तोड़ा, इसीलिए पूरे आदिवासी समाज का तो खास तौर पे पूरे भारत का एक नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, कोई चौखला नहीं, पूरा समाज एक है, सब सामूहिक रूप से आपसी सहमति से बात करेंगे तो समाज जुड़ेगा और समाज की इज्जत रहेगी, नहीं ये तो नाक काटने के लिए तैयार खड़े, बिल्कुल सही है, आपकी बात ध्यान से, प्रशासन से हमें कोई वो नहीं है, बात को तथ्यों के आधार पर करेंगे, प्रशासन कितना निकम्मा है, बंदर ने तोड़ दी, ऐसा प्रशासन है तो आए बता कि हाँ साहब हम ये करना चाहते हैं, समाज से माफी चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, इसके जिला उपाध्यक्ष चलो अच्छी बात है, और मैं आपसे सभी से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो ये मूर्ति के बारे में कह रहे हैं तो ये मूर्ति के बारे में जो बता रहे हैं आप, तो मूर्ति बंदर ने नहीं तोड़ी है, ये मूर्ति साजिश के कारण तोड़ी गई है और इसकी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगी और प्रशासन करेगा, और ये मूर्ति के लिए और जो प्रशासन अधिकारी हैं अपने बीच में आएगा और अपने बीच में ही वो निर्णय लेगा और बात करेगा, दो मिनट यहाँ पे इतना काम हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेंगे प्रशासन लेंगे, वो निर्णय सर्वमान्य होगा और अलग फैसला नहीं होगा, सही है, और यह सामने होगा, अभी जो भी बात होगी सामने, अपने अलग से बात कोई नहीं करेगा, ठीक है, तो ये मैं मेरा निर्णय है, निर्णय नहीं निवेदन है, निवेदन देखो शब्दों का सही है, शब्दों का अपन चाहता हूँ विजय तो कांग्रेसों की आवे पाली जिला लगता है, मेरे साथ में चार गाड़ियां है और 40 आदमियों को लेकर आया हूँ मैं, पूरी रात हमने फील्डिंग की, हम दलित समाज के जितने भी महापुरुष हुए उनके ऊपर इस प्रकार की घटना क्यों होती है, सही है, सत्य प्रश्न है आपका, मैं ये कहता हूँ कि पास में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति थी, वो तो सुरक्षित सही सलामत खड़ी है,
और हमारी मूर्तियों की टांगें तोड़ दी गई, सिर अलग कर दिया गया और इसका अस्तित्व नष्ट कर दिया गया। क्या बिगाड़ा था राणा गुंजा जी ने? सहयोग किया था, सहयोग किया था। क्या ये पुरुष नहीं थे? कब तक हम इस प्रकार से ये सहन करते रहेंगे? इस देश में कोई तो सीमा होगी कि नहीं होगी? मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ। सीमित शब्द में ना, एक बड़ा कड़ाव होता है, उस कड़ाव के अंदर एक मेंढक गिरता है और वो मेंढक उस कड़ाव के नीचे अग्नि होती है, उसके प्रभाव से वो मेंढक मरने लगता है, लेकिन वो ये सोचता है कि कुछ थोड़ा मैनेज और कर लूं तो मेरी जान बच जाएगी, और ऐसे ऐसे करके करके वो अपनी एनर्जी पूरी खत्म कर देता है और मर जाता है। क्या आप लोग उस मेंढक की तरह हो क्या? उस मेंढक से क्या अपने आप को कंपेयर करना चाहते हो? नहीं चाहते हो तो फिर आपका आवाज एक करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको ये नेतागिरी नहीं चलेगी कि हम भील समाज है, हम मेघवाल समाज है, हम मीणा समाज है। इस प्रकार की नेतागिरी छोड़ दो आप सब, हम सब एक है। हमारे महापुरुष के प्रति ये गलत हुआ, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। किसी समाज की कब से हम सुन रहे हैं भील समाज एक समाज, आदिवासी एक समाज, और मैं कह रहा हूँ बहुजन पूरा एक समाज क्यों नहीं हो सकता है? तो आप टूटने वाले नहीं हो मंडल लो। मेरा नाम रामलाल भील है और मैं भील सेना का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सभी डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारा मेवाड़ सभी जिलों से सभी साथियों उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप रास्ते में जा रहे हो और बड़ा पत्थर गिर गया तो क्या करोगे? सब पेड़ों में उठाऊंगा। उस समय संकट की जरूरत पड़ेगा। अगर किसी सरकार ने गलत कानून बना दिया तो उसके कानून को संशोधन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? संगठन की। तो आप सब एक दूसरे एखार निकाल के बैठ जाओगे, आपका संगठन ही मौजूद नहीं होगा, फिर आपकी लड़ाई कैसे लड़ोगे? इसीलिए यहाँ जो मूर्ति टूटी है, हम यहाँ के मूल निवासी है, जो ही बड़ी फोन उपरे सोरारे वो आयो वर्षों उपरे हाट आदमी मैं आया रात हेटे आटा मान सम्मान रहा हाथे बड़ी मूर्ति ने थाना में रखवाई और आपा और सही रहा कि यानी मेवाड़ में जितरो भी बिल है मैंने कालजा में और ठेस बजारो करे यार अपनी राणा पुजारी मूर्ति कड़ी तोड़ी खंडित निकली सबरमन में आज बात एक दूजी है बात है सिटी लगावा हूँ आगो करवाऊ नहीं वेगा अनि समस्या रो समाधान सब बजाओ इसका नियम बनाओ कई मसलो मुद्दो बनाओ अनि चीज हासिल करनी अनि समस्या रो समाधान करनो जदि हम काम वेगा आप वो लोग हा पत्थर रो पानी बनाई दा आज वो राणा पुंजा था उस समय सब लोग जीत गए थे और अकेला नहीं इनाना के साथ सेनापति उन्होंने लड़ाई लड़ी हम वो बहादुर उन्हीं की औलाद है हम कैसे चुप के बैठेंगे लेकिन कोई चीज और कोई न्याय समाधान के अंदर कैसे जाए उसका हल निकालो और इस न्याय को तय करो मेरा सुझाव ये है।